इंडियन आर्मी फीमेल रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती में ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। वुमेन मिलिट्री पुलिस की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि जो आप आवेदन करेंगे या आप इसी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो कि यहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी का वो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो महिला आर्मी भर्ती की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी कोने से आप आवेदन कर पाएं, यानी पूरे भारतीय कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। कितनी आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितनी आपको दौड़ लगानी होगी, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाए। कब से कब तक आप इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो कम्प्लीट वीडियो देखते रहिएगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, समय समय में हम इसको यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। अगर आप इसको यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको उस ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भर्ती का रिक्रूटमेंट नेम रहेगा, इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि भारतीय सेना की ओर से यहां पर ये भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर पोस्ट नेम रहेगा, टोटल आपको यहाँ पर एक प्रकार की वैकेंसी दी गई है, सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आपका जो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होगा। जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, 152 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो भी इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। जो आपका यहाँ पर वेट रहेगा वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा, वो अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता दूंगा। जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा, 1600 मीटर की आपके यहाँ पर दौड़ होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड से कम में कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा। अगर आप 8 मिनट से यहाँ पर कम में कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर किस ग्रुप में कितने नंबर दिए जाते हैं उसकी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता सकता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जो लॉन्ग जंप रहेगा 10 फीट आपका यहाँ पर लॉन्ग जंप रहेगा, जो आपका हाई जंप रहेगा वो यहाँ पर 3 फीट रहेगा। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल है, काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जो एज में आपको छूट दी जाती है इस भर्ती में यहाँ पर काउंट नहीं की जाएगी, यानी जो एससी वालों को 5 ईयर छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 ईयर छूट मिलती है, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जो आपकी एज होना चाहिए 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट की आपके पास जानकारी भी होना अनिवार्य है। एजुकेशन सभी डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है 45% अंकों के साथ तो आप इस भर्ती में आवेदन
आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर है तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एजुकेशन की रिक्रूटमेंट जो रहेगी उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक करेंगे। 10वीं पास होना अनिवार्य हो, अपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे 45% अंकों के साथ, और आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर वो भी चेक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम आपका यहाँ पर रहेगा। कौन कौन से यहाँ पर एड्रेस पर दौड़ होगी उसकी जानकारी के लिए कंप्लीट वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, उसके बाद लॉग इन करके आगे का फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। इसमें आपको सभी जानकारी दी गई है। अगर मैं आपको यहाँ पर हाइट वेट के बारे में बताऊँ तो आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। इसमें आपको यहाँ पर दौड़ होगी 1600 मीटर की, आपके यहाँ पर दौड़ होगी। अगर आप 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें टाइमिंग के अनुसार बताया गया कितनी कितनी आपको यहाँ पर नंबरिंग रहेगी, वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें आपको यहाँ पर रेस के बारे में भी बताएंगे, यानी कि दौड़ के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। जो यहाँ पर इस भर्ती में आपके जो दौड़ के लिए जाना होगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें आपको सभी स्थान दिए गए हैं, जैसे कि अंबाला हुआ, लखनऊ हुआ, जबलपुर हुआ, बेंगलुरु हुआ, सिलीगुड़ी में आपको यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपके नज़दीक होगा उसी में आपको यहाँ पर जाना होगा, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। इसमें आपको एडमिट कार्ड पर आपके मेंशन कर दिए जब भी आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किए जाएंगे। आपको यहाँ पर समय समय पर लिंक अपडेट किए जाते हैं। जो इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी भी आपको इस वेबसाइट पर दी गई है। अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 जून से इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 20 जून, दो किससे पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन आप हमारी वेबसाइट से भी कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।